तो अभी हम आपको टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है सारनी सेवन पॉइंट फोर नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना तो पहले इसको लिखेंगे उसके बाद समझेंगे तो लिखिए तो पहले सारनी सेवन पॉइंट फोर सारनी सेवन पॉइंट फोर नाइट्रोजन के नाइट्रोजन ऑक्साइडों की ऑक्साइडों की संरचना यह है टॉपिक का नाम और इसमें हम पढ़ेंगे आबंध प्राचल इसमें पढ़ेंगे हम आबंध आबंध प्राचल आबंध प्राचल इसमें पहला है एन टू ओ पहला तो एन टू ओ का स्ट्रक्चर कहता है एन सी आर टी कि दोनों के बीच आप पहले डैश लिखेंगे और इधर ऑक्सीजन लिखेंगे आ दोनों को का जो आबंध प्राचल होगा वह उसमें लिखेंगे हम रैखिक एक रेखा में दिख रहा है ये इसकी जो देखने में लगेगा यह रैखिक लगेगा और दोनों के बीच की दूरी मतलब इसके बीच की दूरी 113 पिकोमीटर दिख रहा है। और इसमें लिख रहा है 119 पिकोमीटर पिकोमीटर हम लोग पढ़ाते हैं में पहला चैप्टर में ही दिया हुआ है वन पीको मीटर बराबर होता है दस पर पावर माइनस बारह मीटर यह याद करना पड़ता है मतलब इसका जो दूरी होगा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की दूरी होगा एक सौ तेरह अगुना दस पर पावर माइनस बारह मीटर इसका मतलब हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की दूरी हो गई डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो आपको बत, समझना है 113 पिकोमीटर दूसरा पॉइंट अगर पूछा जाएगा दूसरा एनओ 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 में क्या होगा तो एनओ के लिए कहता है कि इसका इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा और एनओ के बीच की दूरी एनओ के बीच की दूरी जो है वह बताया जा रहा है कितना तो 115 पिकोमीटर तीसरा तीसरा कह रहा है एन टू ओ थ्री एन टू ओ थ्री में क्या होगा पहले तो इसका एक सौ छियासी पिकोमीटर इधर है ऑक्सीजन और इधर है ऑक्सीजन अब देखिए इसकी दूरी कह रहा है एक सौ पिकोमीटर इसके बीच की दूरी इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच एक सौ दोनों के बीच की एंगल बता रहा है एक सौ तीस डिग्री और इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच का एंगल जो बताया जा रहा है वह बताया जा रहा है एक सौ सत्रह डिग्री और हा इधर का बताया जा रहा है 105 और इधर का जो डिस्टेंस है देखिए 114 पिकोमीटर और इसको हम इसका जो स्ट्रक्चर है वह है समतलीय एक समतल में है यहां से यहां तक देखेंगे तो एक समतल में दिख रहा है तीसरा तीन पहले लिख लेंगे उसके बाद बचेगा और तीन लिख लिए तीन ऐसा नहीं पूछेगा कि दोनों के बीच डिस्टेंस बताइए सिर्फ ये पूछेगा कौन किससे ज्यादा है कौन किससे कम है ऐसा पूछेगा एंगल में भी पूछेगा कि कौन किस से ज्यादा है और कौन किस से कम है और ये पूछ सकता है कि समतलीय है कि नहीं है तो देखिए N2O में अगर आपसे पूछा जाएगा कि एन टू ओ में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ज़्यादा दूरी है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी ज़्यादा है ऐसा पूछा जाएगा ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि एक सौ कि इसका कितना होता है और इसका कितना होता है तो डायरेक्ट दिख रहा है कि इसमें एक सौ तेरह है और इसमें एक सौ उन्नीस है तो ये कम है और ये क्या है ज़्यादा अभी कम और ज़्यादा समझना है दूसरा पॉइंट एक पीकोमीटर पीएम पीएम जो सब जगह लिखा हुआ है यह दिन और रात के बारे में नहीं बताता है बल्कि डिस्टेंस के बारे में बताता है वन पीएम बराबर होता है दस पर पावर माइनस बारह मीटर क्या होता है दस पर पावर माइनस बारह मीटर तो अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच की दूरी यहाँ पर दिख रही है एक पीकोमीटर तो एक सौ तेरह गुना दस पर पावर माइनस बारह मीटर इसे समझेंगे तो एन टू ओ का हो गया कि एन एन के बीच कम होता है और एन ओ के बीच की दूरी ज्यादा होती है दूसरा एन ओ की बात अगर की जाए तो एन ओ सिर्फ अगर रहेगा मोलिक्यूल तो एन ओ के लिए इसमें एक सौ पंद्रह आ रहा है एन ओ का कितना आ रहा है तो एक सौ पंद्रह अभी पूछ सकता है कि एन टू ओ में और एन ओ में नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी किसमें ज्यादा होगी तो किसमें ज्यादा लग रहा है तो इसमें आपको ज्यादा लग रहा है तो आंसर ऐसे करके पूछेगा अगला क्वेश्चन एन टू ओ थ्री एन टू ओ थ्री जो है तो इसका तो पहले हम स्ट्रक्चर पहले बता चुके हैं एन टू ओ थ्री एक नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन ऑक्सीजन तीन है एक दो और तीन यहां इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है देखिए 114 सौ यहाँ दिख और इस ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन जुड़ रहा है जिधर दो ऑक्सीजन है तो इसका 121 बता रहा मतलब इधर दो ऑक्सीजन है तो इसका ज्यादा इधर दिख रहा है इधर ऑक्सीजन है इधर कम दिख रहा है इधर दो ऑक्सीजन है ज्यादा दिख रहा है इधर एक ऑक्सीजन है कम दिख रहा है कंसेप्ट ऐसे करके डेवलप करना है कि इधर दो ऑक्सीजन है इधर देखिए ज्यादा दिख रहा है और इधर ऑक्सीजन है इधर कम दिख रहा है अब देखना है एंगल एंगल देखिए इधर का इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो है एंगल जो है वह है 105 ही इसके बीच एक एंगल यहाँ से यहाँ तक 105 है जबकि इस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच दिखा रहा है 117 इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के बीच 117 बता रहा है और इसमें 105 से 117 हो गया और यहाँ 114 से 121 हो गया मतलब इधर वाला ज़्यादा दिख रहा है वाला क्या दिख रहा है कम एंगल देखिए इधर का डिस्टेंस जो है ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन के बीच की दूरी दिखा रहा है एक सौ छियासी पिकोमीटर जबकि इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच की दूरी दिखा रहा है एक सौ तेरह जबकि दोनों नाइट्रोजन ही है तो इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन में पूछ सकता है कि किसकी दूरी ज़्यादा होगी आप पूछेगा कि N2O और N2O3 में N2O और N2O3 में समतलीय कौन है तो समतलीय ये वाला होगा लिखा हुआ है समतलीय और अगर पूछ देगा कि रेखीय कौन है तो इसके बारे में बोलिएगा कि ये रेखीय है तो इस प्रकार का भी प्रश्न पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में तो ऑब्जेक्टिव कैसे बनेगा समझ में आ गया पहला एक पिकोमीटर बराबर आपको याद रखना है दस पर पावर माइनस बारह मीटर एन टू ओ में एन टू ओ में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है एक सौ तेरह और नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी कितना है एक सौ उन्नीस पिकोमीटर नाइट्रोजन ऑक्सीजन जिसको कहते हैं नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड पिछले क्लास में पढ़ा दिए थे इसकी दूरी उससे क्या दिख रही है ज़्यादा दिख रही है ना ज़्यादा और इसमें देखिए एन टू ओ थ्री में, में जिधर दो ऑक्सीजन है उधर उससे भी ज़्यादा और जिधर एक ऑक्सीजन है एन NO ओ से कम दिख रहा है कि नहीं एं, एंगल भी देखिए जिधर ऑक्सीजन ज्यादा है उधर एंगल कम है जिधर जिधर ऑक्सीजन कम कम है 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 उधर एंगल जिधर एंग, इधर कम है और इधर और ज्यादा तो ये कम और ज्यादा से याद रखना है ऐसा नहीं कि डाटा नहीं याद रखना है अब तीन और बचा है तीन और लिखेंगे उसके बाद यह जो टॉपिक होगा नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के बारे में जो आप संरचना है या समाप्त हो जाएगा तो तीन है जिसमें तीसरा में लिखेंगे हम लोग चौथा में तीन तो लिखी दिए हैं चौथा चौथा है आपका एक दो तीन NO2 अब NO2 के बारे में क्या है नाइट्रोजन यहां लिख देंगे और यहां पर ऑक्सीजन लिख देंगे और इसके बारे में एनसीईआरटी लिखा है कि इस दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 120 पिकोमीटर इसके इसके बीच 120 पिकोमीटर है और एंगल कह रहा है कि इस दोनों के बीच का एंगल जो है वह एक डिग्री है और देखने से ही कौन जैसा लग रहा है देखने से ही कैसा लग रहा है कौन तो इसका जो स्ट्रक्चर है बनावट कैसा दिख रहा है तो कौन ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एन ओ टू का जो स्ट्रक्चर होता है वह कैसा होता है तो आपको बताना है कौन ये कैसा बताना है तो कौन ये अगला पांचवा पांचवा में है एन टू ओ फोर एन टू ओ फोर की बात हो रही है तो एन टू ओ फोर में क्या करेंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऐसे लिखा हुआ है कल जो पढ़ाए थे उसी पैटर्न से ये भी है पहले तो स्ट्रक्चर लिख लेंगे इस प्रकार से अब देखिए इस नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की दूरी और बढ़ गई कितना बढ़ गई तो एक सौ पचहत्तर पिकोमीटर एक सौ पचहत्तर पिकोमीटर यहां पर आ गया 121 एक पिकोमीटर और यहां आ गया एंगल 135 और ये हो गया समतलीय तो इसमें देखिए इसमें पूछ सकता है कि NO2 और N2O4 में NO2 और एन एन में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की दूरी कितना किस में ज़्यादा है तो देखिए इसमें 120 है और इसमें कितना है 121 इसमें देखिए एक सौ डिग्री और पीकोमीटर देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ एक सौ पचहत्तर आया इससे पहले नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच था 113 इसमें था नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच एक और इसमें आया एक मतलब नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा इस पाँच छः में सबसे ज़्यादा है एन टू ओ थ्री में सबसे ज़्यादा किस में है एन टू ओ थ्री में उसके बाद यहाँ दिख रहा है एन एन में उसके बाद दिख रहा है एन टू ओ फोर में और उसके बाद दिख रहा है यहाँ एन टू ओ में तो ऐसे भी घटते क्रम और बढ़ते क्रम में भी पूछ सकता है तो यहाँ पर लिख लेंगे कितना इस यहाँ पर 175 सौ पचहत्तर यहाँ पर एक डिग्री और 121 सौ पिकोमीटर डाटा आपसे नहीं पूछा जाएगा कम और ज्यादा भले पूछा जा सकता अगला एक और है एन टू ओ फाइव छठा छठा एन टू ओ फाइव एन टू ओ फाइव का स्ट्रक्चर अब देखते हैं इसमें क्या स्थिति रहती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच इसमें कहता है एक सौ इक्यावन पिकोमीटर रहेगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच कहता है एक सौ उन्नीस यहाँ पर जो एंगल है कौन जैसा जो बन रहा है इसके बारे में बोल रहा है एक सौ बारह डिग्री और ये एक सौ उससे थोड़ा सा कम और इसकी जो स्ट्रक्चर होगा यह भी समतलीय होगा तो ऐसा भी पूछ सकता है कि तीन दे देगा चार दे देगा समतलीय, समतलीय समतलीय एक दे देगा कौन ये वाला है चारों में से कौन समतलीय नहीं है दे देगा एन टू ओ थ्री दे देगा एन ओ टू दे देगा एन टू ओ फोर एन टू ओ फाइव कौन इसमें से समतलीय नहीं है तो आपको आंसर बताना है दे देगा क्वेश्चन में ए में एन टू ओ एन टू ओ थ्री दूसरा दे देगा एन ओ टू तीसरा दे देगा आपको एन टू ओ फोर और चौथा दे, दे देगा कि एन टू ओ फाइव कौन समतलीय नहीं है समतलीय नहीं तो आंसर कौन सा होगा ते एन ओ टू क्वेश्चन है इस तरह से भी पूछा जाएगा तो लिख लिए तो पीकोमीटर तो याद करना कठिन है तो क्या करता है कि पहले समझता है उसके बाद कॉन्सेप्ट डेवलप करना रहता है कि कैसे कम होगा और कैसे ज्यादा होगा उसके बारे में भी हम दूसरे क्लास में विस्तार से बताएंगे लेकिन अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि कम किस में होगा और किस में ज्यादा होगा तो कम आपको पता चल गया समतलीय इसमें से कौन नहीं होगा और कौन कौन समतलीय है तो एक तीन और चार तीनों क्या है समतलीय और NO2 क्या है तो NO2 है कौन यनओ टू क्या है कौन ही है तो इस प्रकार से लिख लेंगे तो NO2 का दिख रहा है आपके पास कौन ये डिग्री दिख रहा है दोनों के बीच में एंगल जो बना रहा है वो एक सौ बना रहा है यहाँ पर देखिए 134 बना रहा है इस नाइट्रोजन और इसके बीच और इस साइड अगर देखा जाए तो इधर बनाता है 135 इधर देखिए 135 बना रहा और यहाँ देखिए इस साइड में इस नाइट्रोजन में यहाँ दिख रहा है 134 मतलब 134 है और 135 है अब देखिए एन एन टू ओ फोर में और एन ओ टू में एन ओ टू में एक सौ चौंतीस यहाँ भी और NO2 में यहाँ इस साइड में दिख रहा है एक जबकि N2O5 में N2O4 में यहाँ पर 135 दिख रहा है तो समझ में आ गया ना इसको देख लेना है NO2 के बीच का एंगल कितना है चौंतीस इसका जो कौन सा दिख रहा है बनावट कौन ये एन टू ओ फोर का कैसा बनावट दिख रहा है समतल ये दोनों के बीच की दूरी कितना दिखा तो अभी हम पढ़ रहे थे आबंध प्रचाल। आबंध इसको कहते हैं हम लोग टॉपिक का नाम में आबंध प्रचाल। क्या टॉपिक का नाम था आबंध प्रचार, लेकिन यह किसके अंतर्गत एनसीआरटी में दिया हुआ है यह दिया हुआ है नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना नाइट्रोजन के ऑक्साइडों की संरचना में। तो यह टॉपिक आपका समाप्त हो गया अब हम नेक्स्ट टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है नाइट्रिक अम्ल सेवन पॉइंट फाइव तो इसको इसको हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इसे बनाएँगे